नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम आज के वीडियो में बात करेंगे रिसर्च टॉपिक रिसर्च टैब के बारे में, जो YouTube ने एक नया फीचर दिया है सभी को। हालांकि अब ये सबके चैनल पर नहीं आया होगा या फिर सबके चैनल पर आया होगा, लेकिन हर एक को पता नहीं होगा कि इस फीचर को या फिर इस टैब का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस रिसर्च टैब का यूज कैसे करते हैं वो डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, यूट्यूब ने ये जो नया रिसर्च टैब दिया, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है हर एक यूट्यूबर के लिए जिनको अपना चैनल ग्रो करना है, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों। इस फीचर के जरिए आप नए नए टर्म सर्च कर सकते हो, आपके जो व्यूअर्स है वो किस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप वीडियो बना सकते हो दोस्तों। या फिर कौन सा टॉपिक सर्च में आ रहा है, किस टॉपिक को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो दोस्तों, वो भी आप इस टैब के जरिए सर्च कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहां पर मैं आपको ये चीजें डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, अब हम हमारे चैनल एनालिटिक्स में आ गए। यहाँ पर जो रिसर्च का नया टैब ऐड हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला जो है वो है सर्चेस अक्रॉस यूट्यूब, और यहाँ पर एंटर अ सर्च टर्म और टॉपिक। मतलब दोस्तों, यूट्यूब पर फिलहाल या फिर इससे पहले या फिर अभी के टाइम पे क्या क्या सर्च हो रहा है, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको यहाँ सिर्फ एक कीवर्ड डालना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया सब्सक्राइबर्स और एंटर कर दिया, तो ये देखिए दोस्तों, लोग सब्सक्राइबर के रिलेटेड इन टॉपिक्स को सर्च कर रहे हैं, जैसे हाउ टू हाइड सब्सक्राइबर, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, हाउ टू गेट सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या करें, 1K सब्सक्राइबर यूट्यूब गिफ्ट, सब्सक्राइबर्स हाइड सब्सक्राइबर, 100 मिलियन सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा जिसमें इंडिया लिखा हुआ है। तो ये ज्योग्राफी का टैब है, इसमें आप अपने हिसाब से कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, आपको किस कंट्री के सर्चेस देखने हैं। फिलहाल मैं इंडिया के सर्चेस देख रहा हूँ, तो ये इंडिया के सर्चेस है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए हर एक सर्च टर्म के आगे उसका वॉल्यूम लिखा है, सर्च वॉल्यूम। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही हाई है इन सब चीज़ों का, आगे भी देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही हाई है। इसका मतलब है दोस्तों, लोग इन टर्म को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप भी इस सर्च टर्म पर वीडियो बनाओगे तो दोस्तों आपके चैनल पे आपके वीडियो पर व्यूज जरूर आएंगे दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर आगे देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गो टू गूगल ट्रेंड, सेव, रिमूव, रिपोर्ट, एक्सप्लोर कीवर्ड, क्रिएट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया तो ये सेव हो गया, सॉरी यहाँ पर मैंने सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे एक टैब है सेव का, इसमें ही आ गया। मतलब फ्यूचर में अगर आप इसको सेव करना चाहते हो और फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पर सेव टैब में मिल जाएगा। तो आपको याद रहेगा कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए गो टू गूगल ट्रेंड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल ट्रेंड में जाएंगे, ये गूगल ट्रेंड का नया ऑप्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कीवर्ड को या फिर इस टाइटल को, मान लीजिए वीडियो का टाइटल है तो इस टाइटल को लोग कैसे सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पास्ट आवर, पिछले एक घंटे में लोगों ने इसको कितना सर्च किया है, ये देखिए यहाँ पर इसका एनालिटिक्स आ जाता है। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड हो गया, अब यहाँ पर हम इसको इंडिया करेंगे, ये देखिए इंडिया पर क्लिक करेंगे तो इंडिया में पास्ट आवर में इस पर कोई भी सर्च नहीं हुआ। पास डे में करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इतने सर्चेस हुए। उसके बाद दोस्तों, लास्ट थर्टी डेज करेंगे तो ये 30 डेज का एनालिटिक्स आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको एनालिटिक्स कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस टॉपिक पर या फिर कौन से टाइटल पर लोग सर्च कर रहे हैं, कौन से टाइटल पर वीडियो ज़्यादा हो रही है और इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, एक और टैब है आके यूअर व्यूअर सर्च, मतलब आपके जो व्यूअर्स है। अब देखिए, मेरे चैनल पर जो व्यूअर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो व्यूअर्स है वो किस किस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये है मेहंदी, डांस, इंस्टाग्राम रील, ट्रेन वीडियो, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे जो व्यूअर्स है वो
इन टर्म्स को सर्च करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके आगे भी सर्च वॉल्यूम लिखा है, सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, हाई हाई हाई। तो अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जो मेरी ऑडियंस सर्च कर रही है, तो दोस्तों ये जो मेरी ऑडियंस है जो इन टॉपिक को सर्च कर रही है, तो अगर मैं इन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो मेरे वीडियो के व्यूज है वो जो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी ये मेहंदी डांस ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरे चैनल नहीं है। मेरा जो चैनल है वो है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो दोस्तों अगर मैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाए इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मेरे वीडियो की व्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सेव, तो जो हमने सेव करके रखा है उसके ऊपर भी आगे फ्यूचर में वीडियो बना सकते हैं। और दोस्तों इसको हम यहाँ से अनसेव भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक नया टैब दिया है यूट्यूब ने, रिसर्च। ये रिसर्च टैब क्या है कि आप लास्ट 28 डेज में आपके व्यूअर्स का रिजल्ट चेक कर सकते हो, या फिर एक ऐसी टर्म, मान लीजिए आपको किसी टर्म पर वीडियो बनाना है, किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है, तो आप पहले इसको यहाँ पर सर्च करिए, जैसे सब्सक्राइबर है, या फिर YouTube अर्निंग के रिलेटेड अगर आपको वीडियो बनानी है तो यहाँ पर YouTube अर्निंग टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सर्च टर्म आ गए, YouTube अर्निंग, इसका वॉल्यूम हाई है, YouTube अर्निंग सिस्टम मीडियम वॉल्यूम है, YouTube अर्निंग प्रूफ मीडियम वॉल्यूम है। तो दोस्तों मेरा एक रिकमेंड है आपको, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि जिस टॉपिक का या फिर जिस टर्म का सर्च वॉल्यूम हाई है आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो अगर हाई वॉल्यूम पर आप वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो पर व्यूज भी हाई आएंगे, ज्यादा आएंगे। आप मीडियम पर भी वीडियो बना सकते हो, लेकिन जिसका सर्च वॉल्यूम लो है दोस्तों उसके ऊपर वीडियो मत बनाइए, क्योंकि लोग इस टर्म को ज्यादा सर्च नहीं करते, तो कंपेरेटिवली दोस्तों आपके चैनल पर भी लोग इसको कम देखेंगे और आपकी वीडियो पर व्यूज भी कम आएंगे दोस्तों। तो अगर आपको आपके चैनल पर आपके वीडियो पर व्यूज ज्यादा आने हैं तो आपको जिस सर्च टर्म का वॉल्यूम हाई है आपको उसके ऊपर वीडियो बनानी है दोस्तों। अगर आप उसके ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी दोस्तों ज्यादा आएंगे। तो दोस्तों ये था रिसर्च टैब। जैसे कि मैंने बताया कि रिसर्च टैब के जरिए आप टर्म सर्च कर सकते हो, जैसे आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप उस टॉपिक को इस टैब में सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि किस टॉपिक पर ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, किस टॉपिक को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे तो उस वीडियो पर आपकी व्यूज ज्यादा आएंगे दोस्तों। या फिर आप सर्च कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टॉपिक को सर्च कर रही है, अगर आपका चैनल उसी के रिगार्डिंग है, उसी के रिलेटेड है, तो आप भी उस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो जिससे आपका वीडियो लोगों के पास पहुंचे और लोग उस वीडियो को देखें। या फिर आप किसी टॉपिक को सेव भी कर सकते हो फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। या फिर आप गूगल ट्रेंड में भी जा सकते हो इस टैब के जरिए। तो दोस्तों ये था रिसर्च टैब, जो बहुत ही बढ़िया फीचर है यूट्यूब का। तो यूट्यूब ने मतलब दोस्तों इस टैब के जरिए आप खुद से देख सकते हो कि कौन सी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आ रही है, तो आप उस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।